मोदी जी एक एक्टर हैं, नेता नहीं है, सिर्फ एक्टर हैं। जैसे एक्टर होता है, आज ये फिल्म, कल वो फिल्म, कल वो फिल्म, वो हमेशा एक्टर हैं, वो नेता नहीं है। इतना बढ़िया नेता है कह रहे मोदी के सामने कोई एक्टर है, एक्टर हीरो हैं, बोलने में, आस गाड़ने में, लचीली बात करने में, वो एक्टर हैं, नेता नहीं है, जनता का नेता नहीं है। क्या नहीं किया मोदी, ये बताओ? कुछ नहीं किए हैं, जुमलेबाजी किए हैं। आप एक नौजवान से पूछ लीजिए, एक व्यापारी से पूछ लीजिए, कहीं जमीन में कुछ नहीं है। फिर वो सीली का काम बच्चे बढ़िया किए हैं, नमक से लेके हाई फाई तक वसूली किए हैं, और वसूली करते चले जा रहे हैं। बनारस किसको चुन रहा है? अजय राव को चुन रहा है। बनारस में मोदी हारेंगे? हारेंगे, निश्चित हारेंगे। नाराजगी? नाराजगी, अरे हम लोग कहाँ से कहाँ चले गए, बेरोजगारी, काम धाम चल ही नहीं रहा है। हम हॉस्पिटल में सप्लाई देते थे, आज 6-7 साल से एकदम काम नहीं है, पता नहीं कहाँ काम हो रहा है। कह GM पे जाओ, GM पर रजिस्ट्रेशन कराया, वहाँ भी कोई काम नहीं रहा, काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा है। इनका पता नहीं कैसे रेपो दर दिखा रहे कि बढ़ा है, बढ़ा है, बढ़ा है। फिर जुमलेबाजी है, बेवकूफ़ बना रहे हम लोग को। हम तो हमारे ये समझिए एक्टर हैं, इनको एक्टिंग करने आती है और उसमें जनता भाग जाती है। जैसे फिल्म चलता है, हा हा हा, फिर उसके बाद काम खत्म, फिर वैसा ही 400 पार होगा? नहीं, पास तो हमको लगता है 120-130 तक जाएंगे।